नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ जिंदगी के एक ऐसे पहलू को जिसको सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। एक औरत गर्व से थी, पति को जब पता लगा कि कोख में बेटी है तो वो उसका गर्भपात करवाना चाहता है। दुखी होकर पत्नी अपने पति से कहती है, सुनिए, सुनो ना मारो इस नन्ही कली को, सुनो ना मारो इस नन्ही कली को, वो खूब सारा प्यार हम पर लुटाएगी, जितने भी टूटे हैं सपने फिर से वो सब सजाएगी। सुनो 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 ना मारो इस नन्ही कली को, जब जब घर आओगे तुम्हें खूब हंसाएगी, तुम प्यार न करना बेशक उसको, वो अपना प्यार लुटाएगी। सुनो सुनो ना मारो इस नन्ही कली को, हर काम की चिंता एक पल में भगाएगी, किस्मत को दोष ना दो, वो अपना घर आंगन महकाएगी। ये सब सुन पति अपनी पत्नी को कहता है, सुनो मैं भी नहीं चाहता मारना इस नन्ही कली को, तुम क्या जानो प्यार नहीं है क्या मुझको अपनी परी से, पर डरता हूँ समाज में हो रही रोज रोज की दरिंदगी से, क्या फिर खुद वो इन सब से अपनी लाज बचा पाएगी, क्यों ना मारूं मैं इस कली को, वो बाहर नोची जाएगी, मैं प्यार इसे खूब दूंगा पर बाहर किस किस से बचाऊंगा, जब उठेगी हर तरफ से नजरें तो रोक खुद को न पाऊंगा, क्या तू अपनी नन्ही परी को इस दौर में लाना चाहोगी, जब तड़पेगी वो नजरों के आगे क्या वो सब सह पाओगी, क्यों न मारूं मैं अपनी नन्ही परी को, क्या बीती होगी उन पे जिन्हें मिला है ऐसा नजराना, क्या तू भी अपनी परी को ऐसी मौत दिलाना चाहोगी। ये सुनकर गर्व से आवाज आती है, सुनो माँ पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी भी सुनो। पापा सुनो ना, साथ देना आप मेरा, मजबूत बनाना मेरे हौसले को, घर की लक्ष्मी है आपकी बेटी, वक्त पड़ने पर मैं काली भी बन जाऊंगी। पापा सुनो ना मारो अपनी नन्ही कली को, तुम उड़ान देना मेरे हर वजूद को, मैं भी कल्पना चावला की तरह ऊंची उड़ान भर जाऊंगी। पापा सुनो ना मारो अपनी नन्ही कली को, आप बन जाना मेरी छत्र छाया, मैं झांसी की रानी की तरह खुद को गैरों से बचाऊंगी, पिता ये सुनकर मौन हो गया और उसने अपने फैसले पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी और कहने लगा अपनी बेटी से, मैं अब कैसे तुझसे नजरें मिलाऊंगा, चल पड़ा था तेरा गला दबाने, अब कैसे खुद को तेरे सामने लाऊंगा, मुझे माफ करना ऐ मेरी बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे इस दुनिया में सम्मान से लाऊंगा, वहशी है ये दुनिया तो क्या हुआ, तुझे मैं दुनिया की सबसे बहादुर बिटिया बनाऊंगा, मेरी इस गलती की मुझे है शर्म, घर घर जाके सबका मिटाऊंगा मैं भ्रम, बेटियां बोझ नहीं होती ये सबको बताऊंगा, बेटियां बोझ नहीं होती ये सबको बताऊंगा, अब सारे समाज में अलख जगाऊंगा, वहशी है ये दुनिया तो क्या हुआ, तुझे मैं दुनिया की सबसे बहादुर बिटिया बनाऊंगा,
तुझे मैं दुनिया की सबसे बहादुर बिटिया बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों आपकी इस आपके इस महत्वपूर्ण समय के लिए। आपने जिस तरीके से इस किस्से को सुना, लगता है शायद आपके दिल को छू गई हो। अगर आपके दिल को छू गई हो तो ज़रूर 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 इसको शेयर करें और अपनी राय हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।